Yeah, fine guys, everybody, how are we today? Yeah, everybody is good? Yes, sir. Good, sir. So guys, before we do any role play or any debate, let's talk about something, let's learn something. Okay, so Mashal has a question. Let me teach him about it. Yeah, Mashal, what is your question? So, my question is, what is the difference between having said that, on the contrary, both the meaning is bulky, and at which situation we can use these words? Okay, so you are saying that dono ka matlab bulky hai, bulky Hindi wala bulky ki aisa wala bulky? No, sir, Hindi wala. Hindi wala bulky, okay, yes. Fine. So, let me tell you, wait a minute, dekhiye guys. जैसे इन्होंने पूछा कि हैविंग सेड दैट, हालांकि स्पोकन में बहुत अच्छा यूज होता है, बॉलीवुड स्टार्स को भी मैंने देखा है बोलते हुए हैविंग सेड दैट। एक बंदे के बारे में हमें दो बातें बोलनी है गाइस। मान लीजिए कि मशाल को ही ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मशाल इज वेरी टैलेंटेड, मशाल काफ़ी टैलेंटेड है, फिर मैंने एक सेंटेंस बोला ही इज वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी पोलाइट, ओके, इतना सब कुछ बोला, फिर मैंने बोला कि हैविंग सेड दैट, कि ये सब तो है ही, ये तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन इसके बावजूद ये तो है ही, लेकिन तो अब जैसे मैं बोलूँगा हैविंग सेड दैट, इसका मतलब कि मैं अब उसकी अच्छाई गिनवाते गिनवाते अब मैं उसकी बुराई की तरफ थोड़ा सा जाऊँगा, मतलब इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। आप पढ़ेंगे कभी तो ये दो, ऑल दो, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, हैविंग सेड दैट, ये सब कॉन्ट्रास्ट के लिए बने हैं, यानी कि अच्छा दिखा करके सीधा नीचे ले आओ उसको। तो हैविंग सेड दैट ही इज लेजी, ही इज लेथार्जिक, और भी जितनी बुराइयां हो सकती है मैं कर सकता हूं। तो इससे क्या पता चला कि एक तरफ मैं उसकी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं, और अचानक मैं ट्रैक जब बदलूंगा तो ट्रैक बदलने से पहले मुझे बीच में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। मैं अचानक बोल दूं कि मशाल इज पोलाइट एंड ही इज लेजी, तो अजीब सा लगेगा कि एंड ही इज लेजी, तो एंड तो हम तभी लगाते हैं जब उसी चीज में और एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वही चीजें, तो या तो हम बट लगा करके ट्रैक चेंज करेंगे, नहीं तो हम हैविंग सेड दैट लगाकर ट्रैक चेंज करेंगे। अच्छे ट्रैक से बुरे ट्रैक पे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लगाना होगा ना मशाल, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो आपको ट्रैक बदलना है। जैसे मशाल को एग्जाम्पल बोलो आप हैविंग सेड दैट लगाकर। So it is only for living things. Can we use this example for non-living things? किसी के लिए, नौ, कुत्ता, बिल्ली, ईंट, पत्थर, घर, मकान, come on, कुछ भी। देश के बारे में। My car is very expensive. My car is very expensive. And also very rare. And also very rare. Having said that, no one wants to drive this. Lovely, lovely. No one wants to drive it. फेयर है ना, बहुत अच्छा, एकदम सही पकड़े हैं। तो आपके समझ में आ गया हैविंग सेड दैट, हो गया। फिर आपका था ऑन द कॉन्ट्रेरी, यही था ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी, देख लेते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब इसकी जब आप हिंदी करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी की, तो हो सकता है इसकी हिंदी में आए बल्कि, इसकी हिंदी में ये भी आ सकता है उल्टा, उल्टे, आप अगर आप हिंदी बोलेंगे तो उल्टा उल्टे। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक लड़की ने बोला कि माय फ्रेंड रोहन इज़ अ ग्रेट गाय, ओके, ही लाइक्स मी अ लॉट, वो मुझे बहुत पसंद करता है। और मैं कह रहा हूँ कि ही वो तुझे पसंद नहीं करता है, ही डजंट लाइक यू, ऑन द कॉन्ट्रैरी ही हेट्स यू अ लॉट। तो इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि पागल, वो तुझे पसंद पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो तुझसे नफरत करता है, नफरत। तो यहाँ पर हम हैविंग सेड दैट ना बोल करके यहाँ पर भी ट्रैक चेंज हो रहा है, लेकिन इसका ट्रैक चेंज देख रहे अजीब है कि तू पागल, तू गलत फहमी में है, वो ये नहीं करता है बल्कि ये करता है। और हैविंग सेड वाले में हम नकार नहीं रहे थे,
हैविंग सेड वाले में हम स्वीकार रहे थे कि हाँ मशाल ये है, लेकिन भैया वो ये भी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी में मशाल देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम नकार रहे हैं, हम बिल्कुल उस चीज को मान नहीं रहे। ठीक है वो कह ओके रही कि मैं, वो तो मुझसे मुझे पसंद करता, मैं कह रहा हूँ पागल पसंद वसंद नहीं करता, मतलब पसंद करने को ही हमने नेगेटिव बना दिया और फिर ट्रैक बदल करके उसके जो हकीकत है वो बता दिया कि पसंद नहीं करता पगली, वो तो तुझसे नफरत करता है। कुछ आ रहा है कुछ समझ में? ओके सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके यस, जैसे कि आपने बोला कि माई सर, कैन वी मेक वन सेंटेंस वेयर वी कैन यूज बोथ हैविंग सेड दैट एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी? दो अलग अलग बातें बोलनी होगी, पहले हैविंग सेड दैट वाला बोलो फिर ये बोलो, एक साथ कैसे बोलोगे करके एक बार देखना। फ्यूजन का जमाना है, ओके खिचड़ी में आलू डाल दो है? आलू में अंडे डाल दो। ओके तो आपने बोला मास्टर कि शेफ वी हाँ, मेक ए मास्टर, करके देखना आप लोग, रिसर्च करो इस पर। जैसे आपने बोला कि माई गर्लफ्रेंड इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड क्वालिफाइड। अब मैंने बोला है कि शी इज नॉट हाईली क्वालिफाइड क्वालिफाइड। अब मैं ट्रैक चेंज करूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि ऑन द कॉन्ट्रेरी शी इज ई, क्या बोलते हैं, ई लिटरेट लिटरेट लिटरेट, कि भाई वो हाईली ओके क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं है वो, अबे अनपढ़ है अनपढ़। तो समझ में आ रहा है, बड़ा बेहतरीन, आई लव दिस, ऑन द कॉन्ट्रेरी बड़ा गजब है। आपने बोला कि यार ये नेताजी हमारी कितनी मदद करते, तो किसी ने बोला भाई मदद नहीं करता वो, वोट के चक्कर में आ रहा है तेरे पास। तो समझ में आया ना, ये यस होता सर, है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है तो पूछा जाए, पूछते हैं कि मशाल कोई दिल विल का अच्छा नहीं है, वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, तो कैसे होगा? Vishal is not a good guy. On the contrary, he is trying to fool you. He is trying to fool you. He is trying to make you fool. Okay, fine. इसी तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हो कि वो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोलता है, बल्कि वो तो हेजिटेट होता है, तो कैसे होगा कि he doesn't speak fluent English. On the contrary, he is hesitate while speaking. On the contrary, he hesitates. ठीक है चलेगा, तो ये हो गया काफी। अब रिचा एंड रजनी से थोड़ा सा सवाल पूछ लिया जाए। रिचा पहले आपसे पूछते हैं, रेडी? ओके यस सर। कल मैंने अपने दोस्त को नाचते हुए देखा, कैसे होगा? यस्टरडे आई सॉ माय फ्रेंड टू डांसिंग। इन्होंने जो बोला क्या ये सही बोला? नहीं, नो नो सर, टू डांस होगा या डांसिंग अलग से होगा? यस्टरडे इन्होंने बोला यस्टरडे सॉ माय फ्रेंड टू डांसिंग। रजनी आप हैं वहां पे? यस सर। क्या होगा रजनी, कल मैंने अपने दोस्त को नाचते हुए देखा? यस्टरडे आई सॉ माय फ्रेंड टू डांस। ओके थोड़ा सा मैं आप समझा देता हूँ, क्या पता समझ में आ जाए। देखिए सवाल था कि इन्होंने बोला कि यस्टरडे आई सॉ माई फ्रेंड टू डांस। ओके यानी कि कल मैंने अपने दोस्त को नाचते हुए देखा। मैं हिंदी लिख देता हूँ कि कल मैंने अपने दोस्त को नाचते हुए देखा। देखिए गाइस, इसको बोलने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आई सॉ माई फ्रेंड डांसिंग, आई सॉ माई फ्रेंड डांसिंग। यस्टरडे आप लगा लो, आगे पीछे लगा लो, यस्टरडे आगे कर लो, आप बोलो कि यस्टरडे आई सॉ माई फ्रेंड डांसिंग। और एक आपका तरीका होता है यस्टरडे आई सॉ माई, एक मिनट, आई सॉ माई फ्रेंड डांस। दो तरीके होते हैं, ज़्यादातर आपने शायद ये सुना होगा, ज़्यादातर ये सुना होगा आई थिंक। दोनों में क्या अंतर, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, आगे से काम आएगा। मान लीजिए कि अंकित अपने अपने घर से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो था वो सेब खा रहा था, तो उन्होंने देखा वो सेब खा रहा था, उसके बाद अंकित चले गए।
अब वो सेब को एक बाइट काटा, दो बाइट काटा, पूरा खाया, फेंक दिया, अंकित को कुछ नहीं पता। अंकित ने जब देखा उस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही थी, कोई सेब खा रहा था। तो अंकित क्या बोलेंगे कि यस्टरडे आई सॉ समवन। अब उन्होंने सेब खाने के मतलब उस वक्त वो प्रोसेस को देखा, उस वक्त वो सेब खाना चल रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर कोई काम कंप्लीट बंदे ने नहीं देखा होगा, सिर्फ देखा कि हो रहा था, तो आप आईएनजी लगाइए। तो यस्टरडे आई सॉ समवन ईटिंग एन एप्पल। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं सिचुएशन बदल दूं, अंकित ने देखा बंदा सेब खा रहा था, अंकित वहीं रुके, बंदे ने पूरा सेब खाया और ऐसे फेंका और ऐसे ऐसे करके, हाँ जी, और अंकित भाई क्या हाल है भाई, अब क्या होगा? यस्टरडे आई सॉ समवन ईट एन एप्पल। इतना बड़ा फर्क है गाइस। अगर काम पूरा कंप्लीट हुआ है तो आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर काम आपने सिर्फ होते हुए देखा, कंप्लीशन नहीं देखा है, तो आईएनजी लगाएंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई छत से गिर गया, अब छत से वो आधा तो नहीं गिरा होगा, पूरा गिरा होगा, वहां पर आप क्या बोलेंगे? कि यस्टरडे आई सॉ अ मैन फॉल फ्रॉम द, क्योंकि उसने वो यहां से गिरा और नीचे आते आने तक का आपने सफर देखा, तो आप फॉल बोलेंगे। लेकिन आप कार से जा रहे थे, आपने हवा में ही देखा कि कोई गिर रहा था, तब क्या बोलेंगे? यस्टरडे आई सॉ फॉलिंग फ्रॉम द। इतना। आप कभी किसी बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू सुनेंगे, ज्यादातर वो आईएनजी वाले नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकतर प्रोसेस को देखा होता है होते हुए, कि यार मैंने उसको पीते हुए देखा। तो अगर पूरा पीते हुए देखा तो फिर आपको ड्रिंक बोलना है, नहीं तो ड्रिंकिंग बोलना है। मैंने उसे पीते हुए देखा, आई सॉ हिम, सिर्फ देखा है वो पी रहा था, आगे पता नहीं क्या हुआ, तो आई सॉ हिम ड्रिंकिंग। मेरे सामने उसने फुल चखना वखना मार के खत्म किया, तो आई सॉ हिम ड्रिंक। इस तरीके से। तो ये एक छोटा सा फर्क है। तो आपके ऊपर है कि आपके अंदर क्या है। अगर आपने अंग्रेजी में आईएनजी वाला बोला तो सुनने वाले को लगेगा कि अच्छा, इसने होते हुए देखा, मतलब उस वक्त हो रहा था फिर निकल लिया। जैसे अंकित एक लॉयर है, तो उनको उनके लिए तो एक एक पॉइंट, कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड बिलॉर्ड। तो बड़ा फर्क है ड्रिंकिंग और ड्रिंक में, फॉलिंग और फॉल में। यहां से पता चल जाता है कि गवाह ने क्या देखा। ठीक है जी, चलिए अब सवाल करते हैं। ऋचा, मैं आपको जानता हूं, कैसे बोलेंगे? ओके, कल मैं सुबह उठा, कैसे बोलेंगे? यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। कल मैं पार्क गई। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क। और मैं पार्क जा रही थी। तुम्हारे आने से पहले मैं पार्क पहुंच गई थी। अब आफ्टर यू कम आई विल रीच द पार्क। माय गॉड ऋचा, कैसे काम चलेगा? फातिमा कैसे होगा? आई रीच द पार्क। तुम्हारे आने से पहले, ऐसे होगा ना? खूब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बस रोगी को मार दिया, कुछ सीखा नहीं। ओके फाइन। मैं वहां जाने वाली थी, कैसे होगा? आई वॉज अबाउट टू गो देयर। ओके, मैं कपड़े धोने वाली थी, अब बताइए। क्या तुम यहाँ आने वाले हो? Are you about to come here? तुम क्या खरीदने वाले हो? What are you about to purchase? अच्छा, एक एक लड़की है, कैसे बोलेंगे? एक लड़की है। There is a girl. और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
How many members in your family? How many members in your family? How many members are there in your family? यही करेक्ट है. How many members are there in your family? एक-एक चीज का आप ख्याल रखें. Anyways, so guys, अब हम आज एक छोटा सा डिबेट देख लेते हैं. कोई अंकित कोई डिबेट कर लेते हैं. बहुत दिन हो गए. तो इज देयर एनी टॉपिक फॉर डिबेट? मैं ऑडियो जरा बंद कर दूं. आई मीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूं.